सब अपनी सीट पर जाएं, सहयोग करें, सदन को चलने दें। सदन को चलाने की जिम्मेदारी आप सबकी है। प्लीज 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 माननीय मंत्री मोशन मूव कर रहे हैं, प्लीज उन्हें मूव करने दें। नेविगेशन डेवलपमेंट और प्लीज हिस्टोरिकल एजुकेशनल एंड कल्चरल वैल्यू टू एंश्योर कंप्लायंस विद द ऑब्लिगेशन अंडर मैरीटाइम ट्रीटीज एंड इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट टू विच इंडिया इज ए पार्टी एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ एंड इंसिडेंटल देयर टू एज पार्ट ऑफ लोकसभा बी टेकन इन टू कंसिडरेशन। सर मोशन मूव, प्लीज अपनी सीट्स पर जाएं, प्लीज अपनी सीट्स पर जाएं, प्लीज लिफ्ट देम को, प्लीज सीट्स पर जाएं। माननीय एलओपी कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज सीट पर जाएं। माननीय एलओपी जब तक ये सीट पर नहीं लौटते मैं कैसे हाउस को चलाऊं, आप बताएं। प्लीज डोंट प्लीज मिनट, कैन यू गिव मी वन मिनट प्लीज। सर He has raised a relevant point. सर इट इज अ पॉइंट ऑफ मैंने order. मैंने स्थिति स्पष्ट कर दिया माननीय एलओपी, इसके अलावा किसी और विषय पे बोलना चाहे तो मैं समय देने को तैयार हूँ। देखिए और विषय पे बोलने के लिए मैं नोटिस भी दिया हूँ, लेकिन आई हैव एवरी राइट टू नो अबाउट दैट इंसिडेंट वेदर ही इज अ बांग्लादेशी और नॉट। प्लीज प्लीज वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर ही गलत है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर गलत है। इट विल प्लीज टेक योर सीट्स, अपनी सीट पर जाएं, अपनी सीट पर जाएं, प्लीज गो बैक टू योर सीट्स प्लीज। सर सर लीडर ऑफ द हाउस प्लीज। सर प्लीज ये एकदम बेबुनियाद बातें जिस प्रकार की सदन में रखने की कोशिश की जा रही है, इसका हम घोर निंदा करते हैं। ये कोई सत्य नहीं, हाउस के सामने जो बिजनेस है उसी पर पॉइंट ओवर हो सकता है, दैट आई हैव ऑलरेडी। ये विषय मेरा भी सत्य भी नहीं है और इसको एक्सपंज करना चाहिए, क्योंकि एक बड़े वरिष्ठ नेता की, एक बड़े वरिष्ठ मंत्री की और एक बड़े समाज की अपमान करने की कोशिश की जा रही है इस उच्च सदन में, जो हमारे आदिवासी भाई हमारे लीडरशिप हाउस बोल रहे हैं उनको सुनिए प्लीज। एक अच्छा समाज में स्थान प्राप्त कर रहे हैं, पहली बार एक रघुवंशी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, ये इनसे देखा नहीं जा रहा और इसलिए मैं समझता हूं कि ये बहुत ही निंदाजनक है, इसको एक्सपंज किया जाए। आप रिकॉर्ड देखते हैं एग्जामिन और ये पूरा बेबुनियाद बात, अब ये एग्जामिन होगा। प्लीज प्लीज गो बैक टू योर सीट्स, प्लीज प्ले कार्ड्स न दिखाएं, प्लीज प्ले कार्ड्स न दिखाएं, प्लीज प्लीज प्लीज। जो विषय माननीय चेयरमैन साहब के सामने रखे गए सत्र, उसके बारे में उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी है, उसके अलावा किसी और चीज पे माननीय एलओपी बोलना चाहते हैं मैं समय दे सकता हूं। हमारे मायने है वो तो उसको रिप्लाई आप लोग देंगे, लेकिन मैं जो रूल 267 के तहत नोटिस दी थी मैंने उसकी स्थिति स्पष्ट कर दिया, उसके अलावा आप बोले क्योंकि माननीय चेयरमैन साहब ने क्लियर कर दिया। प्लीज नो 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 नो, हाउस स्टैंड्स एडजॉर्न टू मीट एट 3 PM। For now has been adjourned till 3 PM, the Lok Sabha adjourned till 3:30. Along expected lines, protests continuing in both houses with the opposition raising a whole gamut of issues. In fact, just a short while ago, we heard Mallikarjun Kharge of the Congress in the Rajya Sabha raising questions about the newly appointed minister, MOS, Mr. Pramanik, who he questioned his nationality. In fact, Piyush Goyal taking strong exception to that. But both protests continuing in the Lok Sabha and the Rajya Sabha. Lok Sabha adjourned till 3:30 and the Rajya Sabha till 3 PM. Well, earlier today we saw the Prime Minister rising to, in fact, introduce the newly cabinet, his new council of ministers. He was repeatedly interrupted by the opposition, who were raising several questions about the fuel price, about farm laws. The Prime Minister rather curtly then after that said that consider the new members introduced, and he objected to the opposition's repeated interruptions, saying that they were opposed
to the induction of OBCs, women and Dalit in the Council of Ministers, which is why they were creating these disruptions.